उधर भाखड़ा डैम तो पानी छड़े जाने के चलते सूबे के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों तो बनी हड़ वर्गी स्थिति का जायजा लेने लई सिंचाई मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों वालों विभाग के उच्च अधिकारियों नाल विशेष मीटिंग की गई। सिंचाई मंत्री ने दावा किया कि हड़ा पक्षों सूबे की सारी स्थिति पूरी तरह कंट्रोल हेठ है और विभाग वालों BBMB नाल लगातार राबता कायम किया जा चुका है। उन्होंने इस कुदरती आफत कारण प्रभावित हुए लोगों को सरकार वालों मुआवजा देने का भरोसा भी दिया। सिंचाई मंत्री ने कहा कि सरकार इस सारी स्थिति को गंभीरता नाल ले रही है और संभावित स्थिति नाल नजिठण लई विभाग के समूह कर्मचारियों और अधिकारियों दी छुट्टियां लैण ते 15 सितंबर तक रोक ला दी गई है। इस दे नाल ही मुलाजमान नूं दरियावां अते डैमां ते 24 घंटे गश्त करन अते चौकसी रखण दे हुकम भी जारी कर दिते गए। जिथों तक इरीगेशन डिपार्टमेंट का तलक है, सारा ही डिपार्टमेंट बड़ी सरगर्मी दे नाल सारे पंजाब दे विच लग्या होया, सारे ऑफिसर संबंधियां ते मुलाजमान दी सारियां दी छुट्टियां बंद कर दित्तियां होईयां ने 15 सितंबर तक। जिथों तक पानी दा लेवल बदल दी गल है, एक कुदरत नाल संबंध है, कोई ना डिपार्टमेंट दा कसूर है ना किसी किस्म दा होर कोई फॉल्ट है। ये पहाड़ों तो पानी आया, पहाड़ों तो पानी आके इन्होंने डैमा दे विच दी डैम सानू इस करके इन्हां नू गेट खोलने पए, पानी उत्थे ज़्यादा जमा हो गया सी। लेकिन एक गल मैं जरूर कहांगा कि लोगों नू डरन दी लोड़ नहीं, दरियावां दे अंदर जिहड़े लोग बैठे सी किनारियां ते बैठे सी अंदर, कोई किसी दी जमीना सी प्राइवेट जां जिवें भी सी, उन्हां लोकां दा ही नुकसान थोड़ा बहुत होया। पानी दरियावां तो ओवरफ्लो होके कंढियां तो बाहर नहीं आया। और इस गल दी मैं शोटी भी दिना कि दरियावां तो कंढियां तो बाहर होकर पानी बिल्कुल नहीं आऊगा, असी इस गल दा बिल्कुल पूरा ध्यान रखांगे, किसी किस्म दी कोई घबराउण दी लोड़ नहीं।